नमस्कार पर्दाफाश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुनाली। आज पर्दाफाश में बात करेंगे कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष की। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के करीबी मल्लिकार्जुन खड़गे की अब कांग्रेस की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे। पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर को मात दी। खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना पहले से ही तय माना जा रहा था, लेकिन फिर भी नतीजों का इंतजार था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या खड़गे नए कांग्रेस अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल से चलेंगे या अपनी मर्जी से काम करेंगे। तो इसका जवाब है कि अब कांग्रेस को फिर से नया मनमोहन सिंह मिल गया है। जी हाँ, ऐसे तो गांधी परिवार को इस बार अध्यक्ष पद से दूर रखा गया, लेकिन बात तो वही है जो मनमोहन सिंह की सरकार में था। तो आज कांग्रेस के डबल गेम का पर्दाफाश करेंगे। कैसे लोगों को तो कांग्रेस ने यह कहकर पागल बना दिया कि कांग्रेस परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, जिससे कि पार्टी पर लग रहे परिवारवाद के बादल हट जाए। लेकिन खड़गे सोनिया के सबसे करीबी और वफादार माने जाते हैं। एक एक बात सोनिया गांधी की मानी जाती है, तो कांग्रेस परिवार का अध्यक्ष बने ना बने चलनी तो सोनिया गांधी की है। कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में सोमवार को छठी बार पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। आजादी के बाद से पार्टी की कमान अधिकतर गांधी परिवार के हाथों में रही है या फिर सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव होता रहा है। गांधी परिवार ने जब ये फैसला किया कि वो पार्टी अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल नहीं होंगे, तो इस पद के लिए दो नेता दावेदार बने, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री के अनुसार मतदान के योग्य 9,900 पार्टी प्रतिनिधियों में से 9,500 ने मतदान में अपना मत डाला। विजेता लंबे समय तक पद पर रहने वाली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जगह लेगा। चुनाव का परिणाम बुधवार को घोषित किया गया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अगले अध्यक्ष बन गए। विश्लेषकों और पार्टी के कुछ अंदरूनी लोगों के मुताबिक नए अध्यक्ष की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होगी पार्टी पर अपना नियंत्रण कायम करना, अपना सिक्का जमाना, अपनी बात मनवाना। कई विश्लेषकों का मानना है कि असली ताकत गांधी परिवार के हाथों में ही रहेगी। अध्यक्ष का रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के पास होगा। रिमोट कंट्रोल वाली बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। उन्हें प्रथम परिवार के उम्मीदवार की तरह देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले पार्टी के बागी नेता संजय झा के एक लेख पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार की हेडलाइन थी, मल्लिकार्जुन खड़गे की आधिकारिक उम्मीदवारी कांग्रेस कैसे खुद को गिरा रही है। उनका तर्क था कि अध्यक्ष पद का चुनाव केवल एक मजाक है, क्योंकि उनके मुताबिक खड़गे गांधी परिवार के केवल एक दरबारी हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या पार्टी की कमान असल में गांधी परिवार के पास ही रहेगी। पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि नहीं, एकदम नहीं, उनका ऐसा स्वभाव ही नहीं है। जिस पद के लिए दुनिया लड़ती है, सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को वो पद दे दिया, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, और ये दिखा दिया कि उन्हें पद का लोभ नहीं है। पार्टी अध्यक्ष पर गांधी परिवार के फैसले थोपे नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ सामूहिक तरीके से फैसले होते हैं, वो अपने फैसले नहीं थोपेंगे। मैं राहुल जी और सोनिया जी का स्वभाव जानता हूँ। अखिलेश प्रताप सिंह ने ये बात कांग्रेस पर उठ रहे सवालों को रोकने के लिए कही है। 80 वर्षीय खड़गे कांग्रेस के सबसे प्रमुख दलित चेहरों में से एक है और कर्नाटक जैसे ऐसे राज्य में ताल्लुक रखते हैं जहां पार्टी की पकड़ बनी हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं जिनके संबंध बड़े नेताओं से अच्छे हैं, खास तौर से गांधी परिवार से, लेकिन आम कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ कमजोर बताई जाती है। सोमवार को वोट देकर लौटने वाले एक दलित कांग्रेसी नेता ने कहा कि खड़गे के अध्यक्ष बनने से दलित और पिछड़े समाज के वो लोग जो पार्टी छोड़कर चले गए थे वापस लौट जाएंगे।
उनके अनुसार वो पार्टी और गांधी परिवार के बीच एक कड़ी की तरह हैं। उनके अनुसार उन्हें गांधी परिवार की कठपुतली कहना सही नहीं होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सोमवार को एनडीटीवी चैनल से कहा कि रिमोट कंट्रोल वाली बात गलत है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नए अध्यक्ष को गांधी परिवार से सलाह और मशवरा करना चाहिए। नए अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बैलेंस ऑफ पावर होगा, जिसके तहत नए अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि गांधी परिवार की पार्टी में पकड़ बनी रहे। यूपीए सरकार वाला मॉडल अपनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो थे, लेकिन कहा जाता है कि असली ताकत सोनिया गांधी के हाथ में थी। एक समय गांधी परिवार की पार्टी पर पकड़ बिल्कुल ढीली सी हो गई थी और सोनिया गांधी अलग थलग होकर रह गई थी। साल 1992 से 1998 तक पार्टी की बागडोर पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के हाथों में थी, लेकिन फिर सोनिया गांधी का समय आया। वो 1998 से 2017 तक पार्टी की अध्यक्ष रही और दो आम चुनाव में पार्टी को जीत दिलाई। फिर 2019 में राहुल गांधी के पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी। वो कांग्रेस की सबसे लंबे अरसे तक अध्यक्ष रही हैं। अगर नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के समय जैसा हाल हुआ और नए अध्यक्ष ने पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, तो गांधी परिवार धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगा और पार्टी में परिवार की अहमियत खत्म हो जाएगी। इस पर अखिलेश प्रताप सिंह कहते हैं कि अप्रासंगिक कैसे हो जाएगा परिवार, लीडर तो लीडर होता है। उनके मुताबिक इसके अलावा पार्टी के सभी प्रमुख फैसलों में अन्य नेताओं के साथ साथ गांधी परिवार भी शामिल होगा, चाहे वो कांग्रेस कार्य समिति के हवाले से हो या फिर पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य के हवाले से। पंकज वोरा भी मानते हैं कि गांधी परिवार अप्रासंगिक नहीं होगा। पार्टी को 2024 के आम चुनाव के लिए तैयार करना नए अध्यक्ष की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। कांग्रेस को एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो 2024 के आम चुनाव और उससे पहले कई राज्यों के चुनाव जीतने में मदद कर सके। नए पार्टी अध्यक्ष का पहला इम्तिहान हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाला विधानसभा चुनावों में होगा, जिसके लिए उनके पास समय बहुत कम है। पार्टी को चुनाव में जीत हासिल कराने से पहले खड़गे की एक बड़ी चुनौती ये होगी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पैदा हुए गुडविल को कैसे वोट में तब्दील कराया जाए। जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, उसके बाद एक साल बाद लोकसभा का चुनाव है। यात्रा से बनी गति और आंदोलन को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। भारत जोड़ो यात्रा का अब तक केरल और कर्नाटक में अच्छा असर हुआ है, लेकिन इसको कैसे मजबूत किया जाए और आगे आम चुनाव तक इसे संभाल कर रखा जाए, इस पर पार्टी अध्यक्ष को काम करना पड़ेगा। पार्टी की हालत वैसे ही बहुत खराब है, उसे मौजूदा संकट से निकालना और पार्टी में जमीनी स्तर पर ऊर्जा पैदा करना खड़गे की एक बड़ी चुनौती होगी। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर आपको पार्टी को पूर्ण जीवित करना होगा। खड़गे की पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कर्नाटक के बाहर पकड़ बहुत कम है। पुराने नेताओं का पार्टी वर्कर्स के साथ एक कनेक्ट था। खड़गे के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते, तो पार्टी को जमीनी स्तर पर पूर्ण जीवित करना नए अध्यक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगी। चुनाव में जीत के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। क्या एक 80 साल के नेता से आप ये उम्मीद कर सकते हैं? ये सवाल अभी बना हुआ है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीम, उत्तर प्रदेश।